नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। धनतेरस पर सदियों से बर्तन, सोना, चांदी, कपड़े, धन संपत्ति खरीदने की परंपरा चली आ रही है। गुजरते समय के साथ इस लिस्ट में गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसी चीजें भी शामिल होती गई। लेकिन धनतेरस पर चीजें खरीदने के साथ साथ दान देने की भी परंपरा है। इस दिन जरूरतमंदों को दान देने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और पूरे साल खूब धन दौलत देती है। इस साल 2 नवंबर 2021 मंगलवार को धनतेरस है। यदि आप भी धनवान होना चाहते हैं तो इस दिन कुछ चीजों का दान जरूर करें। धनतेरस पर जरूर करें दान। धनतेरस के दिन खरीदारी करने के साथ साथ दान जरूर करें, लेकिन ये याद रखें कि दान सूर्यास्त से पहले करें। वही इस दिन किसी को भी सफेद चीजें जैसे दूध, दही, सफेद मिठाई दान में ना दें। ऐसा करना अशुभ होता है। वही कुछ ऐसी चीजें होती है जिन्हें धनतेरस के दिन दान करना बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। जैसे अनाज, धनतेरस के दिन अनाज दान करने से आपके घर का भंडार हमेशा भरा रहेगा। यदि अनाज दान में नहीं दे रहे हैं तो किसी गरीब को भोजन करा दे, भोजन में उसे मिठाई भी खिलाए, इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ पैसे भी दे। लोहा, धनतेरस के दिन लोहे का दान करने से किस्मत बदल जाती है, दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। कपड़े, धनतेरस के दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को कपड़े जरूर दान करें। ऐसा करने से दिन बदल जाते हैं, कुबेर देव की कृपा से खूब धन दौलत मिलती है। हो सके तो पीले रंग के कपड़े दान में दें। झाड़ू, धनतेरस पर नई झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन इस दिन झाड़ू दान देना बहुत शुभ माना जाता है। किसी सफाई कर्मी को मंदिर में नई झाड़ू दान करने से अपार दौलत भी मिलती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट कर जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।